नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रूबरू होते हैं देश दुनिया की टॉप 10 खबरों से। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता ओपी सोनी के खिलाफ जारी पंजाब विजिलेंस की कार्यवाही में ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी की ओर से अब मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी होगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में दापोली रिजॉर्ट मामले में शिवसेना यूटीबी ग्रुप के विधायक अनिल परब को बड़ी राहत मिली है। मामले की जांच कर रहे लोकायुक्त ने परब को क्लीन चिट दे दी। महाराष्ट्र के नागपुर में भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता के अचानक गायब होने से हड़कंप मचा हुआ है। सना 1 अगस्त को अपने परिचित व्यक्ति से मिलने जबलपुर गई थी। अभिनेता और सांसद सनी देओल का उनके लोकसभा क्षेत्र गुरदासपुर में विरोध हो रहा है। नाराज लोगों ने सनी देओल के खिलाफ नारेबाजी की और गदर 2 के बायकॉट की अपील की है। लोगों ने शहर में कई जगह गदर 2 बायकॉट वाले पोस्टर भी लगाए हैं। बिग बॉस ओटीटी 2 के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हालांकि इस बार शो का फाइनले पूरी तरह से अलग होगा। आमतौर पर शनिवार या रविवार शो का ग्रैंड फिनाले होस्ट करने वाले सलमान खान इस हफ्ते सोमवार को फिनाले होस्ट करेंगे। भारत ने वेस्टइंडीज को T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में शानदार वापसी की। गौतम अडानी के अडानी ग्रुप के 10 लेटेस्ट शेयरों में आज मिला जुला रुख दिखाई दे रहा है। हालांकि एक शेयर ऐसा भी है जो बड़ी खबर के चलते बड़ी गिरावट पर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता सुप्रिया सुले ने अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सुबह से विपक्ष के जितने भी सदस्यों ने अपनी बात रखी है, उनका सिर्फ एक ही टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऐसी टॉप 10 खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। धन्यवाद।